कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर में भले बहुत प्रभावी नहीं रहा, लेकिन यूरोपीय और एशियाई देशों में इसके सब वेरिएंट BA.2 को लेकर चिंता बनी हुई है। इसी पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान भी सामने आया है। WHO ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया है कि BA.2 को अभी भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाना चाहिए। SARS-CoV-2 वायरस इवैल्यूएशन पर मंगलवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें सब वेरिएंट BA.2 पर बात हुई। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने कहा कि इसे ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा WHO ने कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े और जांच में कमी पर सवाल भी उठाए हैं। तकनीकी सलाहकार समूह ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा BA.2 की निगरानी ओमिक्रॉन के एक खास उपवंश के रूप में की जानी चाहिए। WHO ने एक बयान में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न वर्तमान में विश्व स्तर पर प्रसारित होने वाला प्रमुख वेरिएंट है, जो गिसिड रिपोर्ट के जरिए लगभग सभी सीक्वेंस के लिए जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन कई उपवंशों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की निगरानी WHO और इसके भागीदारों द्वारा की जा रही है। उनमें से सबसे आम है BA.1, BA.1.1, नेक्स्ट स्ट्रेन CLAD-21 और BA.2 नेक्स्ट स्ट्रेन CLAD-21L। वैश्विक स्तर पर हाल के हफ्तों में BA.2 नामित सीक्वेंस का अनुपात BA.1 के अनुरूप बढ़ रहा है, हालांकि अभी वेरिएंट का वैश्विक प्रचलन कथित तौर पर घट रहा है। BA.1 से अलग है BA.2। विशेषज्ञों ने समझाया है कि BA.2 अपने जेनेटिक सीक्वेंस में BA.1 से अलग है। हालांकि समझने के लिए अध्ययन चल रहे हैं कि क्यों। प्रारंभिक डेटा का सुझाव है कि BA.2 स्वाभाविक रूप से BA.1 की तुलना में अधिक फैलने की क्षमता के साथ प्रतीत होता है। विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि हालांकि ट्रांसमिसिबिलिटी फैलने की क्षमता में ये अंतर BA.1 और डेल्टा वेरिएंट के बीच की तुलना में बहुत छोटा प्रतीत होता है। इस बीच हालांकि BA.2 सीक्वेंस अन ओमिक्रॉन सब वेरिएंट अनुपात में बढ़ रहे हैं, फिर भी वैश्विक स्तर पर समग्र मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जबकि BA.1 के साथ संक्रमण के बाद BA.2 के साथ पुनः संक्रमण के मामलों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। अध्ययनों के बाद प्रारंभिक डेटा से पता चलता है कि BA.1 के साथ संक्रमण BA.2 के साथ पुनः संक्रमण के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। WHO ओमिक्रॉन के हिस्से के रूप में BA.2 की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने देशों से सतर्क रहने, विभागीय सीक्वेंस की निगरानी और रिपोर्ट करने और विभिन्न ओमिक्रॉन सबलाइनेज के स्वतंत्र और तुलनात्मक विश्लेषण करने का आग्रह किया है। कोरोना की जांच में कमी चिंता की बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ने कोरोना संक्रमण की जांच में आई कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए आशंका जाहिर की है कि हो सकता हो कि कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट वास्तविक न हो। WHO के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के कारण कई देशों में प्रतिबंधों को हटाए जाने के साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की गति भी काफी धीमी हो गई है, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार WHO की एपिडेमियोलॉजिस्ट मारिया वॉन कॉर्कॉफ ने ऑनलाइन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वायरस की निगरानी करनी बहुत जरूरी है। मारिया ने कहा कि हमें इस बारे में रणनीतिक होना होगा, लेकिन हम इसे पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। इसके साथ ही COVID-19 के लिए जो सर्विलांस प्रणाली स्थापित की गई है, हमें उसे हम खत्म होते नहीं देख सकते। कोरोना के नए वेरिएंट कितने घातक स्पष्ट नहीं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के सुस्त पड़ने से ब्रिटेन सहित दुनिया भर के कई देशों ने कोविड प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन WHO ने ये संभावना जताई है कि वायरस के घूमते रहने से इसके और कई वेरिएंट अभी सामने आएंगे। हालांकि WHO ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सका है कि कोरोना के नए वेरिएंट कितने अधिक संक्रामक या घातक हो सकते हैं। इस हालत में कोरोना संक्रमण की जांच जरूरी हो जाती है, ताकि समय रहते ही संक्रमण का पता लग जाए और उसका अधिक प्रसार न हो पाए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।